अस्सलामुअलैकुम होम रेसिपीज़ में वेलकम। तो आज की मेरी रेसिपी है पोटैटो कैरेट कटलेट्स, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये स्नैक्स आप चाय के साथ भी खा सकते हैं और झटपट रेडी हो जाते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दो बड़े आलू, दो बड़ी गाजरें लेकर उनको बॉईल कर लिया और इस तरह से इसे कुचल लिया। कुचल लेने के बाद इसके अंदर अदरक पाउडर, काले मिर्चे, लाल मिर्चे पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चिकन पाउडर, नमक हसब ज़रूरत और मैदा 2 चम्मच शामिल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया। फिर पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि एक अच्छी सी शेप बन सके, जो कि मैंने ऐसे बनाई थी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी शेप दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 10 टेबलस्पून के करीब ब्रेड क्रम्स लिए, 2 अंडे लेकर उसको अच्छी तरह से फेंट लिया और नमक, काली मिर्चें भी डाल लीं। फिर एक एक करके पहले अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स से कोट करके और फिर शैलो फ्राई कर लिया। इसी तरह बाकी के कटलेट्स को भी ऐसे ही पहले अंडे में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम से कोट करके शैलो फ्राई कर लें। कटलेट्स को हर साइड पर 4 मिनट के लिए पकाएं मीडियम फ्लेम पर, और फिर इसे चेंज कर लें इसकी साइड, और ये बहुत ही मज़े के बहुत टेस्टी बनते हैं। आप अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, रात को बनाकर रख लें और सुबह बच्चों को लंच में दे दें, शाम की चाय में सर्व करें या फिर मेहमानों को खिलाएं। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चलती हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकेगी। अल्लाह हाफिज़।